पाकिस्तान से आई हूँ। मेरा नाम शकुंतला है, पाकिस्तान हैदराबाद से आई हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। कोई मसला नहीं है, ये भी अपना ही है, वो भी अपना ही है। नहीं, अब आप यहाँ पे रह गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी अपने ही लोग हैं। अच्छा, नहीं नहीं डर नहीं लगा, डर काहे का, भगवान बड़ा है। आते हैं यहाँ पे, हमारा ज्यारत हुआ कर रहे हैं, हमारे पीर साहब इधर हैं बड़े, बेटी भी मेरी इधर ही है। तो बस ये है कि भाई आवाम चाहती है कि एक दूसरे को मिलना चाहिए। अब बहुत सारे आ रहे थे, वो डरा दिया कि भाई ट्रेन बंद होगी तो अब सस्ता पड़ता है ना रास्ता, ये हर कोई प्लेन और उससे तो नहीं आएगा, तो इस वजह से बहुत से आए नहीं कि भाई गाड़ियाँ बंद हो रही है। हो सकता है अमन हो जाएगा, अच्छा फिर लोगों का एक दूसरे से मिलना चाहिए, रिलेशन। और हमारे भी मतलब मुल्क से उधर पाकिस्तान के लोग भी हमारे इंडिया में आएंगे, क्योंकि हमारी यात्रा है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। और यात्रा नहीं करेंगे तो फिर इधर ही सब यात्रा है, पाकिस्तान में नहीं है, इधर इंडिया में सब यात्रा है, उनका आना जाना तो लगा रहेगा। इतना फ़र्क पड़ गया, एक तो प्लेन में आओ और एक ट्रेन में आओ, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे इसमें तो क्या गरीब से गरीब लोग भी आ सकते हैं और उसमें तो पैसे वाली पार्टी आ सकती, हमारे जैसे भी नहीं गए। अब ट्रेन में गए, ट्रेन में आए, दो बार गए हम ट्रेन में, गए ट्रेन में आए, हमको मालूम नहीं है। नहीं, और आपके भाई साहब तो दूध टमाटर ये सब्जी ये महंगी, कितने भाव होंगे अंदर? 110 रुपए किलो दूध है वहाँ का, 110 और 140 130-140 में है, बाकी सब्जियाँ तो ऐसी महंगी। चार हफ्ते पहले पाकिस्तान गया था, वहाँ मेरे भाणेज की बच्चे की शादी थी, उसमें शामिल हुआ, माशाल्लाह ऐसा कोई तकलीफ नहीं था। अभी 5-4 दिनों पहले ऐसी बातें हुई है जिससे ये थोड़ा सा माहौल गंदा हो गया है और यूँ लोगों को डर दहशत होगी कि वापस ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी। मेरा जहाँ तक सोचना है ये थार एक्सप्रेस बंद नहीं होगी, मेरा अपना सोचना ये थार एक्सप्रेस बंद नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ की आवाम भी चाहती कि अमन चैन और शांति से जिए, और यहाँ की जनता भी चाहती हम शांति और अमन चैन से जीते। अब रहा सवाल ये वहाँ की महंगाई का, तो ये उनकी मुल्क का मसला है, यहाँ है अगर मान लो सौदा ठीक तो सस्ता चल रहा, बाकी इससे अच्छी और सस्ती यात्रा नहीं हो सकती जो मुनाभाव से 0. खोपरा पार जाती है, या 150 रुपये आप पहुँच जाते हो मुनाभाव, वहाँ से कराची जाने के लिए आपको पैसा लगता है वो 800 रुपये आप पहुँच जाते हो, इसलिए बहुत सस्ती यात्रा है और यहीं से लोग आना जाना चाहेंगे। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।